नमस्कार, संसार ग्रिल में आपका स्वागत है। मैं पंकज। हमारे दर्शक अक्सर पूछते हैं, हैंगिंग पॉट में फ्लावर कैसे लगाएं, कौन से पौधे हैंगिंग पॉट में लगाएं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकन को दबा दे। इन खूबसूरत फूलों के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ हरे पत्ते या खूबसूरत रंगीन फूल ही नहीं, कुछ और भी नज़ारे आपको नजर आएंगे। स्वाद, सेहत, हरी भरी जिंदगी और उससे बढ़कर कुछ और भी यहाँ मिलेगा आपको। आपके हैंगिंग बास्केट औरों से जुदा होंगी क्योंकि उसमें फूल भी आएंगे, साथ ही साथ फल भी आएंगे और औरों का दिल ललचाएंगे। हमारा आइडिया हैंगिंग बास्केट में सीम की फलियां या फ्लैटन या ब्रॉड बीन उगाने का है। आइडिया नया जरूर है, पर आप इसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते। कुछ नया करने पर ही तो नई पहचान बनती है। मुझे तो ऐसे हैंगिंग बास्केट पसंद है। बास्केट नजर भी नहीं आ रही, हरियाली भी है और इतने खूबसूरत फूल खिले हैं, और उन सबसे बढ़कर मुझे मेरे पूरे परिवार के लिए सेहतमंद फलियां मिल जाती हैं। और क्या चाहिए? ये हमारी एक हफ्ते की सीम की फलियां हैं, यानी हर हफ्ते इतने सीम इस एक हैंगिंग बास्केट से निकल आते हैं, तो क्या बुराई है इनमें? भारत में सीम की दर्जनों किस्में मिलती हैं। इसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अलग अलग रंग की इनकी फलियां होती हैं। सभी स्वाद और सेहत में थोड़े अलग होते हैं। अलग अलग रंग की फलियों वाले फूल भी अलग होते हैं और बीजों के रंग भी अलग अलग ही होते हैं, पर ओवरऑल सब एक ही फैमिली से हैं और सभी सीम की ही जातियां हैं। और बीज सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होती है। बीज के बाद अब बारी आती है मिट्टी की। ये मैंने संसार की पोटिंग मिक्स लिया है, जिसमें कंपोस्ट, कोकोपीट और मिट्टी सही मात्रा में मिक्स किया हुआ है। हम अपना पॉटिंग मिक्स गमले में डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें बीज लगाएंगे। ये मैंने पॉटिंग मिक्स इस गमले में डाल दिया। तो चलिए आज मैं बीज लगा लेता हूँ। आज मैं सिर्फ एक ही बीज लगाऊंगा क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि डेज बाय डेज इसकी ग्रोथ कैसी होती है। इसके लिए आपको आधा सेंटीमीटर की एक होल कर देनी है। उसके बाद आप बीज को लगा के चारों तरफ से इसे ढक दें। अब बारी है पानी देने की। एक बात का ध्यान रखें, इसे रोशनी वाले जगह पर ही रखें। आप चाहे तो इसे खिड़की पर भी रख सकते हैं जहाँ पर धूप आती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसमें नमी हमेशा बरकरार रहे। एक सप्ताह हो गए हैं, आप देख रहे हैं इसकी जर्मिनेशन कितनी अच्छी है। आपको मैं इसकी ग्रोथ दिखा देता हूँ। इसके लिए आपके पौधे की जड़ें डैमेज हो सकती है। आप इसके रूट की ग्रोथ देख सकते हैं, इसकी रूट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। ये मैंने हैंगिंग बास्केट मार्केट से लिया है और ये प्लास्टिक का है और इसके बॉटम में आप कई सारे होल देख रहे होंगे। अब हम गमले के पैने में नारियल के छिलके डाल दे रहा हूँ। मैं ये नारियल का छिलका इसमें डाल दे रहा हूँ ताकि इसमें आप जब पानी डालें तो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ना रहे, और इसके कारण आप जब मिट्टी डालेंगे और पानी इसके अंदर जब डालेंगे तो मिट्टी इस होल के कारण बाहर ना आ सके। इससे आपके घर भी साफ रहेंगे और आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन बने रहेंगे। हैंगिंग बास्केट में रिच फर्टाइल मिट्टी डाली जाती है और आप जैसे देख रहे होंगे इसमें मैंने
कोकोपीट और कंपोस्ट डाला है। अब मैं इसे इस बास्केट में डाल दे रहा हूँ। हैंगिंग बास्केट में कोकोपीट और कंपोस्ट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसकी इसे बार बार फर्टाइल और कंपोस्ट नहीं मिला सकते हैं, इसलिए मैं इसमें एक बार ही सारा कुछ डाल दिया। इसे अच्छे से इसमें मैं डाल दे रहा हूँ। कोकोपीट इसलिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है क्योंकि कोकोपीट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण इसमें नमी बरकरार रहेगी। इसमें मैंने अच्छे से डाल दिया। ये किसी तरह के मिट्टी में लग जाते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह के मिट्टी है तो ये आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप इसे बीज से लगा रहे हैं तो आप ये सिर्फ बीजों से लगता है। अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो आप हाइब्रिड किस्मों का बीज लगाएं क्योंकि हाइब्रिड किस्मों के बीज में वाइन कम और फल ज्यादा आते हैं। हैंगिंग बास्केट तैयार है, अब बारी है इसमें पौधे लगाने की। इतने बड़े आकार की पौधे सही होती है हैंगिंग बास्केट के लिए क्योंकि इसकी रूट अच्छे डेवलप हो चुकी होती है और ये आसानी से लग जाती है। आप एक बास्केट में 5 से 6 पौधा लगा सकते हैं और 1 से 2 महीने में फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। जब इसमें फल आने लगे तो आप रेगुलर इंटरवल पर इसकी तोड़ाई करते रहें, नहीं तो फल सूखकर पौधे में ही खराब हो जाएंगे। आप जितने फल तोड़ेंगे उतना ज़्यादा इसमें और नए नए फल और फूल आएंगे। इसमें कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अंतराल के बाद इसमें जब पानी इसके मिट्टी में सूखने लगे तो आप समय टू समय इसमें पानी देते रहे 2 से 3 दिन के अंतराल पर। और इसकी पत्तियां जब आप देखें तो पीले होने लगते हैं तो आप इसकी पत्तियां तोड़ के फेंके नहीं, उसकी पत्तियां आप उसी की मिट्टी में डाल दें, वो खाद की काम करेगी। आप चाहे तो अलग अलग बास्केट में अलग अलग रंगों के सीम के बीज या पौधे लगा सकते हैं, चाहे तो आप एक ही बास्केट में अलग अलग रंगों के ही बीज लगा सकते हैं, ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके फल आप देख ही रहे हैं, ये तो खूबसूरत लग ही रहे हैं, साथ में इसके फूल को भी देखिए, ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा लें तो ये आपके घरों की शोभा भी बढ़ाएंगे। हमारी बात मानिए, एक बार हैंगिंग बास्केट में ये लगा के देखिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट जरूर कीजिए।